दोस्तों नमस्कार, मैं जगदीश नेहरा वीपीसी प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। GINU मोस्ट वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, आप सबका हार्दिक इस्तकबाल। दोस्तों हम पढ़ेंगे आज की क्लास में हरियाणा GK यानी कि हरियाणा सामान्य ज्ञान। पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हरियाणा सामान्य ज्ञान का HSSC की परीक्षाओं में कितना महत्व है। HSSC की जो परीक्षाएं हैं ज़्यादातर 90 नंबर की होती हैं, 90 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 20 से 22 क्वेश्चन यानी कि 20 से 22 क्वेश्चन यानी कि परीक्षा का 25% भाग जो है वो हरियाणा सामान्य ज्ञान से पूछा जाता है। हरियाणा सामान्य ज्ञान में हम हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का भूगोल, हरियाणा की राज्य व्यवस्था, हरियाणा की अर्थव्यवस्था, इसके अलावा यहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य के तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन बड़े डीपली पूछे जाते हैं। और देखिए हरियाणा सामान्य ज्ञान परीक्षा में आपका मेरिट से पास होने में बड़ा योगदान रखता है, क्योंकि 25% हरियाणा GK आती है। खास बात यह है इसकी, सबसे छोटा सिलेबस है हरियाणा GK का, इसलिए आसानी से इसको कवर किया जा सकता है। अगर यहाँ से आप 20-22 क्वेश्चन में से 20 के 20 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो तो एग्जाम के अंदर एक अच्छी बढ़त ले लेते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं हरियाणा GK। आज का यह पहला लेक्चर है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना कह लीजिए। देखिए दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके परिचय को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम उसके परिचय को नहीं समझेंगे तो सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। इसका एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे भारत का संविधान। भारत के संविधान की शुरुआत उसके परिचय यानी कि उसके इंट्रोडक्शन, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, उससे होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या परिचय ही उस संविधान का आत्मा होती है। उस आत्मा यानी कि परिचय को अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद ही हम भारतीय संविधान को समझ पाते हैं। इसलिए हरियाणा सामान्य ज्ञान पढ़ने से पहले हम हरियाणा परिचय समझ लेते हैं। परिचय क्या होता है? जैसे आप से कोई आपका परिचय पूछे तो आप क्या बताते हो? आप अपना नाम बताते हो, नाम का अर्थ बताते हो, डेट ऑफ बर्थ, आपका ओरिजिन क्या है, हॉबी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि आप अपने बारे में बेसिक चीज़ें बताते हो। वही बेसिक जानकारी हम पढ़ेंगे हरियाणा सामान्य परिचय के अंदर। तो देखिए शुरुआत करते हैं पहले लेक्चर की, और लेक्चर का नाम है हरियाणा का सामान्य परिचय यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा कह लीजिए। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्जाम के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हरियाणा जो है इसके नाम का अर्थ क्या है। देखो अगर मैं यहाँ लिख दूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हरियाणा नाम है इसका अर्थ क्या है। जो हरियाणा है, आपसे ये भी पूछा जाता है बहुत बार, तो हरियाणा कौन सी भाषा का शब्द है? हरियाणा संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है। जैसे मैं इसका अर्थ निकालूं, जो हरियाणा है ये संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस अयाणा, या आप इसको बोल सकते हो अयन। आप देखिए अयाणा या अयन का मतलब होता है निवास या घर, जहां आप रहते हो उस जगह को हम निवास या घर कहते हैं। और इसके आगे जो हरि है, हरि का अर्थ है यहाँ पर भगवान। अब भगवान कौन से हैं? दोस्तों वेदों पुराणों के अंदर भगवान विष्णु के 108 नाम बताए गए हैं, ठीक है, और उन्हें उन 108 नामों में एक नाम हरि भी है, यानी कि जो हरि है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विष्णु के लिए। तो हरि का अर्थ क्या हुआ? विष्णु। तो हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या निकला? विष्णु का निवास। तो एक अर्थ तो ये निकला इसका, विष्णु का निवास, ये एक अर्थ निकल गया। इस बात को थोड़ा सा और लिख सकते हैं हम, विष्णु क्या है? भगवान। तो हम लिख सकते हैं भगवान का निवास। और देखिए आप सब जानते हो विष्णु के एक अवतार हुए भगवान श्री कृष्ण, तो यहां विष्णु की बजाय एक और वर्ड लिखा जा सकता है, श्री कृष्ण का निवास, श्री कृष्ण का निवास। तो हमने जाना
हरियाणा संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस अयाना, और इसका अर्थ हुआ विष्णु का निवास। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, विष्णु का निवास, विष्णु कौन है भगवान, भगवान का निवास, और विष्णु के अवतार कौन है श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण का निवास। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी हरियाणा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दूसरा हम कई बार ऐसे भी पढ़ते हैं हरियाणा। अब देखो इसका मैं संधि छेद करूं तो ये बन जाता है हर प्लस अयाना, या अयन कह लीजिए। अब यहां पर अयन या अयाना का अर्थ क्या है, निवास, और हर का मतलब क्या है, जो हर लेता है, दुखों को हर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, महादेव या शिव या भोले शंकर। यहां पर हर का अर्थ क्या है, शिव। तो हरियाणा का एक अर्थ और आ गया हमारे पास, एक अर्थ और निकलता है, इस हरियाणा का अर्थ निकला है शिव का निवास, शिव का निवास। तो एक अर्थ यहां से निकाला, एक यहां से निकाला। और देखिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं एज इट इज हरियाणा। अब इसका संधि छेद करूंगा तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है हरि प्लस अरण्य। अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल, और हरि का मतलब क्या होता है, हरा, यानी कि हरा भरा जंगल। हरियाणा का एक अर्थ और निकलता है हरा भरा जंगल या हरा भरा वन। तो देखिए तीन अर्थ आपके सामने आ गए, एक और अर्थ निकाल सकते हैं इसे, चौथा है हरियाणा, और इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया हरि प्लस अरण्य। अरण्य का अर्थ यहां पर है क्रीड़ा स्थली, जहां पर खेल खेला जाता है, और क्रीड़ा स्थली किसकी है, हरि की, यानी कि श्री कृष्ण की, यानी कि श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। तो दोस्तों हरियाणा का शाब्दिक अर्थ यहां पर आपको चार अर्थ दिखाई दे रहे हैं। वैसे हरियाणा के नाम को लेकर विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद है, हरियाणा का नाम कैसे पड़ा, वेदों में, पुराणों में, स्मृति में और विभिन्न ग्रंथों में विद्वानों ने इसको क्या क्या कहा है, वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, यहाँ थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो देखिए हरियाणा के चार अर्थ मैंने यहाँ पर निकाले हैं, एक हरियाणा का अर्थ है विष्णु का निवास, एक लिखा मैंने हरियाणा इसका अर्थ है शिव का निवास, एक हरियाणा का अर्थ निकला हरा भरा जंगल, और एक हरियाणा का अर्थ निकला श्री कृष्ण की क्रीड़ा सतली। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, पंजाब से हुआ है, यानी कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया। अब किसी राज्य का निर्माण करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, ये सब अधिकार भारत की संसद के पास है, और संसद क्या करती है इसके लिए, संविधान में संशोधन करती है। तो आपसे पूछेगा हरियाणा का निर्माण किस संशोधन के द्वारा किया गया, कौन से राज्य के रूप में हरियाणा गठन किया गया, ये तमाम बातें आपसे पूछेगा। कुछ मैं ऐतिहासिक बातें बताता हूँ। देखिए हरियाणा जो है प्राचीन काल में सप्त सिंधु यानी कि पंजाब का भाग होता था। पंजाब जहाँ पांच नदियाँ बहती हैं, बहती थी कह लीजिए, कौन कौन सी, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, पांच ही नदियाँ, और एक सिंधु और एक सरस्वती, इन सात नदियों से मिलकर एक क्षेत्र था जिसको बोलते थे सप्त सिंधु, और इसी क्षेत्र का भाग होता था आपका हरियाणा। और सप्त सिंधु क्षेत्र में आर्य लोग रहते थे, और आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं, यानी कि हरियाणा जो है, हरियाणा की जो धरती है वैदिक सभ्यता की पालना है, वैदिक सभ्यता फली फूली यहाँ पर है, वेदों की रचना इस पर की गई, कह लीजिए इस धरती पर की गई। तो प्राचीन काल में जो हरियाणा सप्त सिंधु का क्षेत्र होता था, पंजाब का भाग होता था। और देखिए आगे बढ़ते हैं, आधुनिक भारत में, आधुनिक काल में कह लीजिए, आप सब जानते हो अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक भारत पर राज किया, और 1803 में अंग्रेजों का हरियाणा पर कब्जा हो जाता है, हरियाणा के क्षेत्र पर 1803 में अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, और 1809-10 में जब संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ दिया। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो हरियाणा कहलाया। और देखिए तब से लेकर 1858 तक हरियाणा किसके साथ जुड़ा रहेगा, उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा रहेगा। अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने के लिए, यानी अंग्रेजों से आज़ादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई 1857 में,
जिसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहा जाता है, 1857 की क्रांति कह लीजिए। 1857 की क्रांति के बाद यानी कि अगले साल 1858 में अंग्रेजों ने हरियाणा के एक क्षेत्र को उत्तर प्रदेश से अलग कर पंजाब में मिला दिया, पंजाब के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए 1858 से लेकर 1966 तक हरियाणा पंजाब के साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन बीच में एक तारीख आती है 1947, 15 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन होगा तो पंजाब का भी विभाजन हो जाएगा और पंजाब के दो भाग हो जाते हैं, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। पश्चिम पंजाब कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में, और उसकी राजधानी बन जाती है लाहौर, और पूर्वी पंजाब रह जाता है भारत में, जिसकी राजधानी होगी शिमला कह लीजिए। 1947 से लेकर 1966 तक, 15 अगस्त 1947 से लेकर 1 नवंबर 1966 तक हरियाणा जो है वो पंजाब का भाग था, पूर्वी पंजाब का भाग था। और देखिए एक लंबा संघर्ष हुआ, क्योंकि जो पंजाब था उसमें दो तरह के लोग रहते थे, एक हिंदी बोलने वाले, एक पंजाबी बोलने वाले, और इन इन दोनों प्रकार के लोगों में भाषा को लेकर मतभेद हो जाता है। और एक लंबे संघर्ष के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया जाता है। तो देखिए हम पढ़ते हैं हरियाणा के गठन के बारे में, हरियाणा का उदय कह लीजिए। देखो डिटेल से तो हम बाद में पढ़ेंगे, या कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। हरियाणा गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ, यानी कि 1 नवंबर को हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को हरियाणा समेत 7 ऐसे राज्य, यानी कि कुल मिलाकर भारत में 8 राज्य हैं जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 1 नवंबर, देखो आपने रट्टा नहीं मारना, जिस तरह से छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया और झारखंड को बिहार से अलग किया गया, इसी तरह से हरियाणा को किससे अलग किया गया? पंजाब से अलग किया गया। तो वो सब बातें जानते हैं। 1 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? हरियाणा स्थापना दिवस। और देखिए पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। करंट में क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1 नवंबर 2020 को कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा हरियाणा अपना, तो आंसर रहेगा 55वां स्थापना दिवस। 1 नवंबर 2020 को 55वां स्थापना दिवस, 1 नवंबर 2020 को हरियाणा कौन सा दिवस मनाएगा अपना? 55वां स्थापना दिवस मनाएगा। अब बात करते हैं हरियाणा को कौन से प्रांत से अलग किया गया। हरियाणा को पूर्वी पंजाब यानी कि पंजाब से अलग किया गया। देखिए अगर मैं हरियाणा की बात करूं, जैसे यहां हरियाणा लिख दिया, अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं, 1809 से लेकर 1858 तक हरियाणा जो है उत्तर प्रदेश का भाग रहेगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र था? उत्तर पश्चिमी भाग, जो कानपुर वाला एरिया है उसके साथ जुड़ा रहेगा। 58 से लेकर 1 नवंबर 1966 तक हरियाणा जो है किसके साथ जुड़ा रहेगा? पंजाब के साथ। लेकिन ये कौन सा पंजाब है जिससे हरियाणा को अलग किया गया? देखिए जब 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, पंजाब का विभाजन हो गया, पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी पंजाब भारत में रह जाता है, तो हरियाणा को किससे अलग किया गया? पूर्वी पंजाब से अलग किया गया, पूर्वी पंजाब से अलग किया गया। अब देखिए किसी राज्य का निर्माण करने का अधिकार संसद के पास है, संसद उसके लिए क्या करती है? संविधान में संशोधन करती है। तो आगे बढ़ते हैं, 18वें संविधान संशोधन द्वारा, 18वें संविधान संशोधन द्वारा, 18वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1966। तो क्वेश्चन पूछ लेता है हरियाणा गठन कौन से संशोधन द्वारा किया गया? 18वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से राज्य के रूप में? 17वें राज्य के रूप में। तो हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना? 17वां राज्य बना।
इसको कहाँ से अलग किया गया, पूर्वी पंजाब या पंजाब से अलग किया गया, कौन से संशोधन के द्वारा, 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैंने आपको बताया जो पंजाब का क्षेत्र था जब अंग्रेजों ने 1858 में पंजाब के साथ हरियाणा को जोड़ दिया, तो दो तरह के लोग थे, हिंदी और पंजाबी बोलने वाले। यहाँ पर भाषाओं को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद होता है, लंबा संघर्ष होता है, आंदोलन होता है। हिंदी भाषा वाले कहते हैं कि हमारा अलग राज्य बनाया जाए, पंजाब वाले कहते हैं हमारा अलग पंजाबी सूबा बनाया जाए, तो लंबा संघर्ष चलता है। तो पंजाब के विभाजन के लिए यानी कि हरियाणा के गठन के लिए एक समिति बनाई जाती है संसद के अंदर, और उस समय भारत के गृह राज्य मंत्री होते थे गुलजारी लाल नंदा, उन्होंने संसद में घोषणा की और 18 सितंबर 1965 को संसद में एक समिति बनती है, कौन सी, सरदार हुकम सिंह समिति। उसकी सिफारिश पर एक आयोग बनेगा, उस आयोग वो आयोग अपनी रिपोर्ट देगा केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार एक बिल लाएगी संसद के अंदर, और उस बिल के बाद हरियाणा का गठन होगा। तो देखिए आपसे पूछे किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा का गठन किया गया, हरियाणा के गठन का आधार। तो देखिए मैं सारी तमाम बातें बताता हूं आपको। आपसे पूछे किस आधार पर हरियाणा राज्य बना, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा किस आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया, तो आंसर रहेगा भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर। तो पहला पॉइंट बन गया भाषा के आधार पर। हिंदी भाषी क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 में पूर्वी पंजाब से अलग किया गया और जिसको बोला गया हरियाणा, तो भाषा के आधार पर। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कौन सी समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया, तो समिति का नाम है, एक संसदीय समिति थी, सरदार हुकुम सिंह समिति, हुकुम सिंह समिति, क्योंकि इस समिति के अध्यक्ष हुकुम सिंह थे, तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा अध्यक्ष थे। डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, हरियाणा गठन उदय कैसे हुआ वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये समिति कब बनी, 23 सितंबर 1965 को, 23 सितंबर 1965 को हुकुम सिंह समिति की सिफारिश हुई, और इसी समिति की सिफारिश पर एक आयोग का गठन किया गया। आपसे पूछेगा कौन से आयोग की सिफारिश पर हरियाणा गठन हुआ, तो उस आयोग को बोलते हैं सह आयोग, इसको ये भी बोलते हैं पंजाब सीमा आयोग, क्योंकि इसको पंजाब का सीमांकन, पंजाब के विभाजन का कार्य सौंपा गया था। पंजाब विभाजन के लिए ये, या हरियाणा के गठन के लिए कौन सी समिति बनी, हुकुम सिंह समिति, कौन सा आयोग बना, सहायोग या पंजाब सीमा आयोग कह लीजिए, और ये बनेगा 23 अप्रैल 1966 को, 23 अप्रैल 1966 को सहायोग बना, और जो सहायोग था इसके अध्यक्ष थे जेसी शाह, जंतीलाल छोटेलाल शाह, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, न्यायाधीश थे, ये तो इसके अध्यक्ष थे। और सहयोग में 3 सदस्य थे, डिटेल में हम पढ़ेंगे इनके बारे में, एमएम फिलीप और तीसरे थे एस धर। सहयोग में 3 सदस्य थे। जेसी शाह अपनी रिपोर्ट देगा, इस सहयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, ये रिपोर्ट करेगा केंद्र सरकार को कब, 31 मई 1966 को, 31 मई 1966 को सहायोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी, और सहायोग की रिपोर्ट के आधार पर एक बिल लाया जाएगा भारत के संसद में, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक बिल यानी कि एक एक्ट, अधिनियम लाया जाएगा, जिसको बोलते हैं पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966। तो देखिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, एक कानून लाया जाएगा जिसके तहत पंजाब का विभाजन किया जाएगा और हरियाणा गठन किया जाएगा, पंजाब पुनर्गठन, रट्टा नहीं मारना, पुनर्गठन दोबारा निर्माण करना,
यानी कि पंजाब का विभाजन होगा इसके तहत। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम को इंग्लिश में एक्ट कहा जाता है 1966। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत पंजाब का विभाजन किया गया, किस अधिनियम के तहत हरियाणा गठन हुआ। तो आंसर रहेगा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। और ये कब पारित हुआ, ये भारत के संसद ने पारित कर दिया कब, 18 सितंबर 1966 को। और इसको लागू किया गया, एक संशोधन हुआ वो मैं बता चुका हूं, कौन सा, 18वां संविधान संशोधन, ये संसद द्वारा किया गया 1966। और पूर्वी पंजाब से अलग क्या कर दिया गया, हरियाणा को अलग कर दिया गया। अब देखो, हरियाणा 18वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का 17वां राज्य बना। अब आपसे कुछ बातें पूछे, बेसिक बातें। जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अच्छा, जब हरियाणा अलग राज्य बन गया तो कोई भी राज्य होता है उसका मुख्यमंत्री होता है, उसका राज्यपाल भी होता है, और उसमें कोई ना कोई कोर्ट तो बनानी पड़ती है ताकि लोगों को न्याय दिया जाए। और कोर्ट का क्या होता है, न्याय समय हरियाणा गठन के समय, हरियाणा गठन के समय यानी कि कब की बात कर रहा हूं मैं, 1 नवंबर 1966 की बात कर रहा हूं। 1 नवंबर 1966 को सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री, देखिए किस, कोई भी राज्य है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, हरियाणा का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, यानी कि मुख्यमंत्री कौन था गठन के समय। तो मुख्यमंत्री थे, यानी कि पहले मुख्यमंत्री कह लीजिए, भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। हम मुख्यमंत्री के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार से पढ़ा जाएगा, ये कौन से अनुच्छेद में, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसका कार्यकाल क्या रहता है, ये कौन कौन से काम करता है, सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का था, छोटा किसका था, सर्वाधिक युवा कौन सा था, सबसे अधिक उम्र का मुख्यमंत्री कौन सा था, वो तमाम बातें हम बाद में पढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं, हरियाणा गठन के समय मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा यानी कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन थे, राज्यपाल यानी कि हरियाणा के पहले राज्यपाल, हरियाणा का पहला राज्यपाल किसे बनाया गया, जो उस समय पंजाब के भी राज्यपाल थे, धर्मवीर। और देखिए, हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ तीनों का एक संयुक्त हाई कोर्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ में है, उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट, उस समय कौन थे मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर रहेगा मेहर सिंह। तो आपसे पूछ लेगा, हरियाणा गठन के समय हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मेहर सिंह। हाई कोर्ट के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो गठन के समय यानी कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, भगवत दयाल शर्मा को, राज्यपाल धर्मवीर, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मेहर सिंह। बात करता हूं भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, हरियाणा गठन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो जवाब होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और ये पहली प्रधानमंत्री थी जिनकी हत्या की गई थी, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कौन थे, हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। हरियाणा गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, और बाद में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनेंगे। इसके अलावा
इनका जो जन्मदिन होता है उनको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1954 में, और भारत रत्न हासिल करने वाले वो पहले राष्ट्रपति थे भारत के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बात करते हैं किसकी, उपराष्ट्रपति की। गठन के समय भारत का उपराष्ट्रपति कौन था? उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के उस समय उपराष्ट्रपति थे, और ये बाद में क्या बनेंगे, भारत के राष्ट्रपति भी बनेंगे, और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन थे? राज्यसभा का सभापति, देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति होता है किसका, राज्यसभा का, तो जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा कौन सी चल रही थी उस समय? हरियाणा गठन के समय तीसरी लोकसभा चल रही थी, तीसरी लोकसभा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, इस लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जिनके अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, और समिति का कार्य क्या था, पंजाब विभाजन की जांच करना, क्या पंजाब का विभाजन करना चाहिए, क्या एक अलग राज्य हरियाणा गठन होना चाहिए, उन्हीं के अध्यक्षता में वो समिति बनी थी। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन थे उस समय, लोकसभा अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह ये लोकसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। इन्हीं के अध्यक्षता में सितंबर 1965 में समिति बनी थी, और समिति की सिफारिश पर सहायोग का गठन किया गया था, और उसी आयोग की सिफारिश के आधार पर ही एक कानून लाया जाता है, और जिसके आधार पर हरियाणा का गठन होता है 1 नवंबर 1966 को। ये थी बेसिक बातें। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमसे कई बार ऐसे पूछ लेता है कि जब हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा गठन के समय कितना क्षेत्रफल हरियाणा को दिया गया था, और हरियाणा में कितने जिले थे गठन के समय, ऐसी बातें हमसे पूछ लेता है। तो देखिए, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठन किया गया, पूर्वी पंजाब से इसको अलग किया गया, तो पंजाब के 35% भाग पर हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। तो देखिए, कितने प्रतिशत भाग हरियाणा को दिया गया जब हरियाणा गठन हुआ, तो देखिए 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा गठन किया गया, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पूर्वी पंजाब से अलग हुआ। पूर्वी पंजाब यानी कि पंजाब के 35.18% क्षेत्रफल पर हरियाणा का निर्माण किया गया। तो हरियाणा को कितना मिला, पूर्वी पंजाब के 35.18% क्षेत्रफल पर हरियाणा का निर्माण किया गया। हरियाणा को पंजाब की कितनी भूमि दी गई, 35% भूमि दी गई, और ये किलोमीटर में कितनी थी, यानी कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना था, हरियाणा का क्षेत्रफल था किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल था। अब देखिए दोस्तों, हरियाणा एक राज्य है और दुनिया में देश है। हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के लगभग बराबर है, किस देश के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो दुनिया में दो देश हैं जिनका क्षेत्रफल हरियाणा के लगभग बराबर है, एक तो डेनमार्क और दूसरा है एस्टोनिया। डेनमार्क का क्षेत्रफल हरियाणा के लगभग बराबर पड़ता है, तो हरियाणा का क्षेत्रफल, हरियाणा का क्षेत्रफल डेनमार्क देश के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, क्षेत्रफल के लगभग बराबर है।
देखो कई बार ऐसे पूछ लेता है, क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में सबसे ज्यादा एरिया किसका? राजस्थान का, जिसका क्षेत्रफल किसके बराबर है? जर्मनी देश के क्षेत्रफल के बराबर है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा का क्षेत्रफल हमारे जिले जींद से 1000 वर्ग किलोमीटर ज्यादा है, जींद से 1000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है गोवा। और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे बड़ा है लद्दाख, और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। तो देखिए, हरियाणा का क्षेत्रफल डेनमार्क देश के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। अब आपसे एक बात पूछ लेते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार देखिए, भारत जो है, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना भारत एक संघ है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश। अब आपको एक चीज बताता हूं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर हैं। 28 राज्यों में सबसे बड़ा जिसका क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यानी कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल जर्मनी देश के बराबर है, लगभग बराबर है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा क्षेत्रफल में? सबसे छोटा राज्य है गोवा, जिसका क्षेत्रफल हमारे जिले जींद से 1000 वर्ग किलोमीटर फालतू है कह लीजिए। जींद का 2702 वर्ग किलोमीटर है और गोवा का 3702 वर्ग किलोमीटर है। अब जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जो 2019 में बना है। और सबसे छोटा एरिया में कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ये है लक्षद्वीप। अब देखिए, हरियाणा का कौन सा रैंक है? अगर मैं बात करूं राज्यों की, 20 राज्य ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल हरियाणा से फालतू है, यानी कि राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? यानी कि 8 कुल मिलाकर 28 राज्य हैं, 28 में से 8 राज्य हैं ऐसे हैं, सॉरी 8 राज्य ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल हरियाणा से कम है। और यानी कि राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का रैंक कौन सा है? 20वां। राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार 20वां स्थान। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों में हरियाणा कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। यानी कि भारत में 8 ऐसे राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल हरियाणा से कम है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, पेपर के अंदर ऐसे घुमाकर क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल हरियाणा से ज्यादा है? ऐसे ऑप्शन आ गए केरल, बी ऐसे पंजाब, सी गोवा, डी मिजोरम। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल हरियाणा से ज्यादा है? तो अब आपको वो पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वो राज्य पढ़ लो जो हरियाणा से छोटे हैं। और ऐसे कितने राज्य हैं? 8 ऐसे राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल हरियाणा से कम है। अब मैं उन 8 राज्यों के नाम लिखता हूं, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। 8 राज्य जो हरियाणा से छोटे हैं, 8 राज्य जो हरियाणा से छोटे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। तो देखिए, सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? गोवा। दूसरा छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। अब मैं आपको नाम बता देता हूं सारे। त्रिपुरा हरियाणा से छोटा है, मिजोरम हरियाणा से छोटा है, मणिपुर हरियाणा से छोटा है, इसके अलावा मेघालय हरियाणा से छोटा है, और नेक्स्ट है नागालैंड, नागालैंड ये भी हरियाणा से छोटा है। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, और 8वां जो छोटा राज्य है वो है आपका केरल।
तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल हरियाणा से कम है। तो एक बात देखिए, हरियाणा राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार कौन से, देखिए राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का 20वां स्थान है, यानी कि हरियाणा से छोटा राज्य कौन सा है, यानी कि जो 21वें नंबर पर बड़ा है, 21वां रैंक किसका है, केरल का। और हरियाणा से जस्ट बड़ा कौन सा है, 19वां कौन सा है रैंक, 19वां रैंक किसका क्षेत्रफल में, पंजाब का। तो देखिए हरियाणा पंजाब से छोटा है और केरल से बड़ा है। आपको तीनों राज्यों के नाम पता होना चाहिए और ऑप्शन में जो पूछा था मैंने यही आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए ये 8 राज्य हैं। गोवा पूरे भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में, दूसरा छोटा राज्य कौन सा, सिक्किम। ये 8 राज्य जो हरियाणा से छोटे हैं, तो 28 राज्यों में हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा रैंक है, 20वां। लेकिन भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसका एरिया हरियाणा से ज्यादा है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा से बड़ा है, लद्दाख। लद्दाख का क्षेत्रफल हरियाणा से ज्यादा है, लद्दाख का एरिया हरियाणा से क्या है, ज्यादा है। अब देखो अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, पेपर वाला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा, भारत में क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का स्थान, हरियाणा का स्थान। तो दोस्तों रट्टा नहीं मारना, राज्यों में तो 20वां स्थान है लेकिन लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एरिया हरियाणा से बड़ा है, तो वो कौन सा है, लद्दाख। तो जो भारत की बात कर रहा है, भारत दो चीजों से मिलकर बना है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और यूटी से मिलकर भारत बना है। तो राज्यों में तो 20वां स्थान है लेकिन एक यूटी है जो हरियाणा से बड़ी है, तो कुल मिलाकर कितना स्थान बन जाएगा भारत में, कौन सा रैंक बन जाएगा, 21वां स्थान बन जाएगा। जब भारत में पूछे तो क्या जवाब होगा, 21वां बड़ा राज्य है, 21वां बड़ा राज्य है। 20 तो राज्य ऐसे हैं जो हरियाणा से बड़े हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश बड़ा है, 19 राज्य बड़े हैं कह लीजिए तभी 20वां आया है, और एक केंद्र शासित प्रदेश बड़ा है, तो कुल मिलाकर 21वां स्थान पड़ता है। और लेकिन अगर पूछ ले राज्यों में स्थान कौन सा है, तो राज्यों में स्थान कौन सा होगा क्षेत्रफल के अनुसार, 20वां स्थान होगा। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने कि अगर आपसे पूछ ले भारत में, तो बात कर रहा हूं राज्य और यूटी, तो 19 राज्य भारत से बड़े हैं तो राज्यों में तो 19 राज्य सॉरी हरियाणा से बड़े हैं तो राज्यों में तो 20वां स्थान आ गया, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक यूटी भी बड़ा है, तो कुल मिलाकर हरियाणा से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बड़े हैं, तो हरियाणा का कौन सा स्थान आया, 21वां स्थान आया। तो राज्यों में स्थान तो 20वां है लेकिन पूरे भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में, 21वां, और क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो डेनमार्क के क्षेत्रफल के लगभग बराबर पड़ता है। अब हरियाणा का जो 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कि हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। हरियाणा की जो भूमि है पूरे देश की भूमि का, वो कितने प्रतिशत है, 1.34% है। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है, और पूरे भारत में हरियाणा का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, 21वां, क्योंकि इससे 19 राज्य बड़े हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश बड़ा है, तो 21वां स्थान आ गया। लेकिन अगर सिर्फ राज्य लिखा आ गया तो राज्यों में कौन सा स्थान है, 20वां। जम्मू कश्मीर बनने से पहले राज्यों में 21वां स्थान होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब क्या बन गया, यूटी बन गया, ठीक है। तो इसलिए राज्यों में कौन सा रैंक आ गया, 20वां, और पूरे भारत में 21वां स्थान है, तो 21वां स्थान भारत में कर रहा है, तो बात किसकी कर रहा है, राज्य प्लस यूटी की बात कर रहा है। अब देखिए
हरियाणा जो है एक राज्य है, और हरियाणा किस में बंटा हुआ है, जिलों में बंटा हुआ है। तो देखिए हरियाणा में कितने जिले हैं, हरियाणा में 22 जिले हैं। कितने जिले हैं, 22 जिले हैं, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला हरियाणा में वो है सिरसा। सिरसा का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, 42-70 स्क्वायर किलोमीटर कह लीजिए। और दूसरे नंबर पर कौन सा है, हिसार। तो कम से कम दो आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा, क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर कौन सा है, हिसार। सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, 741 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जिसका, फरीदाबाद। और दूसरे नंबर पर छोटा है पंचकुला। तो आपको ये दोनों याद होने चाहिए, कम से कम दो दो तो याद कीजिए। सबसे बड़ा जिला है सिरसा, सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा हिसार, और दूसरे नंबर पर सबसे छोटा है पंचकुला। हरियाणा गठन के समय 7 जिले थे जब हरियाणा गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, और जिलों की संख्या कितनी होगी, 22। वो तो पोर्शन इस टॉपिक का हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। इस पोर्शन के यानी कि इस टॉपिक के कम से कम 4 वीडियो और बनने हैं, यानी कुल मिलाकर 5 वीडियो में हरियाणा का परिचय हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रत्येक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करना चाहता हूँ, छोटे से मुद्दे बड़े मुद्दे पर एक छोटी सी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। आप सब जानते हो पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 नाम की एक महामारी फैली हुई है, जो कोरोना वायरस की वजह से फैली है। और आप सब जानते हो ये स्प्रेड कैसे होते, किस तरह से फैलते हो फैलते आप जानते हो, संपर्क द्वारा। हम एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं फैलने की बीमारी के, कह लीजिए। तो हमारा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कर्तव्य बनता है कि हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें, अपने आसपास की सफाई रखें, खुद को साफ रखें, अच्छे साबुन और सैनिटाइजर से अपने हाथ धोने के बाद ही चेहरा और नाक को टच करें। और आदत बदली अपनी, हम पहले नाक में उंगली दे लेते थे या आंखों में उंगली लगा लेते थे, अब उस आदत को बदलने का समय आ चुका है। ये बुरी आदतें थी। जो भी महामारी आती है, कोई भी बीमारी आती है, हमें अच्छा सिखाने के लिए आती है, जिंदगी का एहसास हमें करवाती है। और घबराना नहीं चाहिए संकट के समय में, क्योंकि प्रत्येक संकट जो आता है एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। आप सब जानते हो अगर राम को वनवास ना होता 14 वर्ष का, तो इतनी अच्छी रामायण हमें देखने को नहीं मिलती। सेम इसी तरह से जैसे महाभारत के अंदर हुआ, पांडवों को वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ, उसके बाद ही हमें महाभारत दिखाई देती है, कह लीजिए। तो जो कुछ भी होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है। आप सब जानते हो अभी मॉनसून का सीजन शुरू हो चुका है, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन एक खास बात है, अगर बारिश बिल्कुल ना हो उसे हम सूखा कहते हैं, और ज़्यादा बारिश हो जाए उसे हम बाढ़ बोल देते हैं, कह लीजिए। इसलिए ज़िंदगी जो है बीच में है, यानी कि मध्यम मार्ग हमें अपनाना चाहिए। दोस्तों हम सब के लिए एक सुनहरा अवसर ये है, कोरोना महामारी से पहले जो कुछ हम नहीं कर पाए अब हमारे पास वो करने का समय है। हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं, परिवार को समय दे सकते हैं। तो आप अपनी हॉबीज़ डेवलप कीजिए, जैसे कुकिंग का, सिंगिंग का, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, डांसिंग वगैरह घर पर आप कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा सुनहरा मौका उन बच्चों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो ये कहते थे हमारा GS अच्छा नहीं है, हमारा मैथ अच्छा नहीं है। तो जिसका GS कमज़ोर है वो NCERT वगैरह पढ़ सकता है, तरह तरह की यूट्यूब पर वीडियोज़ देख सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। यानी कि खुद को एनालाइज करने का एक बेहतरीन मौका है। जैसे सोना ना वो आग में तपने के बाद ही और ज्यादा निखरता है, कह लीजिए। इसी तरह से जो संकट आता है, संकट के बाद हम निखरेंगे। और देखिए डायनासोर भी इस धरती पर रहता था, और इस धरती पर वही जिंदा रहा है वो खुद को सरवाइव कर पाया। इसलिए महामारी के दौरान अपने आप को सेफ रखिए, अगर आप सुरक्षित रहोगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा। और देखिए आपको एक खास बात पता होगा कि देहांत से अच्छा होता है एकांत, देहांत से अच्छा होता है एकांत। बैठे रहोगे कुटिया में, बैठे रहो कुटिया में, नहीं तो नजर आओगे लुटिया में। घर पर रहोगे तो बार बार मिलोगे, नहीं तो हरिद्वार मिलोगे। आप सब जानते हो इन तमाम बातों के बारे में। आपसे रुख्सत लेता हूँ, विदा लेता हूँ। बाकी का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।